सर पढ़ने का मन है बट नींद बहुत आती है आजकल, कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें? तो ये आप लोगों का ही प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके। अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया और अपनी लाइफ में अगर लेके आ गए ना, तो बस उसके बाद में आप लोगों को कभी वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अवॉइड हैवी मील बिफोर स्टडी, यानी कि सर जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ ना, तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। जैसे कि अगर मेरे सामने खाना आ जाता है, बस दरादर मैं खाने लग गया, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जब भी आप लोग पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को नींद आने लगेगी, नींद आने के साथ साथ क्या होगा सर, उबासियां आने लगेंगी। तो ये सारी चीजें होंगी जिसके बाद में आप लोगों का दिमाग है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी कि सिर्फ मुझे अभी सोना है। तो ये चीज आप लोगों को अवॉइड करनी है। सेकंड आप लोगों के सामने है कि सर हम लोगों का क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं सर, हल्की लाइट जला के पढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा, बस यही चीज़ हम लोग करते हैं। लेकिन आज के बाद में आप लोगों को ये करना है, क्योंकि देखो आप लोग जब सोते रहते हो तो आपकी मम्मा क्या करती है, आके लाइट ऑन कर देती है और उसके बाद में आप लोग उठ जाते हो, मम्मी आप लोगों को उठाती है और आप लोग उठ जाते हो। तो यही चीज़ आप लोगों को करनी है कि सर जब भी हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो एक डार्क रूम में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को वहाँ पर पढ़ना है जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है, अच्छे से लाइट है जो हमारी आंखों को प्रॉपर मिल पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को नींद नहीं आएगी। थर्ड जो पॉइंट है आप लोगों का वो है कि आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ऐसा नहीं कि सर बिना पानी पिए बैठे हुए हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जो आप लोगों की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है पर डे, वो सारा पानी आप लोगों को पीना है, जिससे क्या हो कि आपकी बॉडी है वो एक्टिवली वर्क कर पाए। और आप लोग इनफ पानी पियोगे तो आप लोगों को डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। आगे जो प्रॉब्लम है वो है कि सर अवॉइड कंफर्टेबल स्पेस। कैसे सर, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग क्या करते हो कि सर बेड पे पसर जाते हो, बिल्कुल फैल जाते हो और उसके बाद में फिर पढ़ने लगते हो बुक। यार एक चीज बताइए, अगर कंफर्टेबल स्पेस पे आप लोग बैठे हुए हो, सोफे के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हो, तो फिर कैसे आप लोगों को नींद नहीं आएगी? आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी और आप लोगों को नींद आने लगेगी। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा क्या करना है कि एक टेबल कुर्सी ले लीजिए, उस पर आप लोगों को बैठ के अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी जो पीठ है वो जितना ज्यादा स्ट्रेट रहेगा आप लोगों की बैक, उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, आज के बाद में कभी भी बेड के ऊपर नहीं बैठना है और ना सोफे के ऊपर बैठ के पढ़ना है, ठीक है? अगला पॉइंट है रीड आउट लाउडली, कि हमारा जो दिमाग है ना बेटा, जितना ज्यादा चीजों को आप लोग लाउडली पढ़ोगे ना, आप लोग अपने सामने बुक को रख लो और फिर पढ़ो कि भाई न्यूटन से ये बोला, रिएक्शन क्या हुआ, मतलब तेज तेज लाउडली आप लोगों को पढ़ना है सारी चीज, जिससे क्या है दिमाग के अंदर वो चीजें बैठ जाए। और जब चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी ना, तब चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी और उसके बाद में कभी भी नींद आप लोगों को नहीं आएगी। जैसे आप लोगों को पता है कि सर हमारे दिमाग में क्या होता है, तीन तरीके से चीजें स्टोर होती है, एक तो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, एक लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, एक परमानेंटली हो जाती है। और जो परमानेंटली हमारे दिमाग के अंदर रहता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है सर, अच्छे से लाउडली पढ़ना है, जिससे दिमाग के अंदर वो सारी चीजें बैठने लगे और उसके बाद में फिर उनको क्या करना है, रैपिडली उसका रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या है सारी चीजें बहुत आसान हो जाए। अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जब भी आप लोगों को लग रहा है ना कि अगर मेरे को नींद आ रही है ना, तो सबसे बेस्ट जो है वो है कि उस टाइम पर न्यूमेरिकल लगाने लग जाओ, चाहे फिजिक्स का चाहे मैथ्स का, सवालों को सॉल्व करने लग जाओ, जिससे क्या है आप लोगों की नींद है वो अवॉइड हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जब कोई थ्योरी टॉपिक पढ़ते हैं उस टाइम पे हम लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सर अगर हम लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करना है, थ्योरिटिकल चीज़ को छोड़ दो उस टाइम के लिए, उस टाइम पे सिर्फ फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे। तो ये मेनली जो पॉइंट्स हैं ना, जिनको आप लोग अवॉइड कर देते हो और उनकी वजह से क्या है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, पढ़ने बैठते हो नींद आने लग जाती है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अब मूवमेंट जरूर रखनी है, ये नहीं कि एक बार बैठ गए तो फिर 5-6 घंटे तक बैठे हुए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने 1-1.5 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद में खड़े होना है, फिर थोड़ा मूव करना है, 5-7 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, फिर वापस आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप लोग करोगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से होगी और आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बस इन पॉइंट्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो आई होप कि इन पॉइंट्स के बाद में आप लोगों को कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पढ़ाई से रिलेटेड जो आप लोग सब बोलते हो कि सर हम लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है जब भी हम लोग पढ़ते हैं तब, तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और अच्छे से अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। और इसको लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और अपने जितने भी ग्रुप है ना, उन दोस्त हैं जिनको ये परेशानी है, उन तक जरूर पहुंचाना है, जिससे क्या है कि उनकी भी परेशानी दूर हो जाए। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ अड्डा 24/7 स्कूल पे जुड़ने के लिए।